टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया है, हमने इस चैप्टर में अडाप्टेशंस को हमने देख चुके हैं और हमने क्या क्या किया है। कॉजेस ऑफ सेल इंजरी तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, तो आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी कर लिया था, अब रह गया है सेल डेथ। जो सेल डेथ, इसके 5 मैकेनिज्म होते हैं, 2 मेजर मैकेनिज्म और 3 माइनर मैकेनिज्म। एक वो मैकेनिज्म जो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल दोनों में हो सकता है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस या एपोप्टोसिस, जिसको हम सिंपल एपोप्टोसिस पढ़ते हैं, लेकिन इसके इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। दूसरी पैथोलॉजिकल सेल डेथ, जिसको बोलते हैं नेक्रोसिस, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ ऊपर, तो नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस या एपोप्टोसिस। तीसरी, बाकी जो 3 होती है वो माइनर होती है, पायरोटोसिस, नेक्रोटोसिस और फेरोटोसिस। तो आज के दिन हमने इन सेल डेथ के स्पेसिफिकली नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के ट्रॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो और बजाय दूसरी वीडियो देखने के इनके एक्सप्लेनेशन की, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन ट्रॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चंस की वीडियो को मिस ना करिएगा, और इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल के ऊपर, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक हो गया, इसको आप देख लेना जनरल पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हिस्टोलॉजिकल साइन ऑफ नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस की हिस्टोलॉजिकल साइन, इन शॉर्ट, इसकी मॉर्फोलॉजी को पूछ रहे हैं और वो कॉग्युलेटिव नेक्रोसिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्रोसिस नजर आ रहा होगा, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ। नेक्रोसिस के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन दोनों रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम बाहर रिलीज होने के बाद एडजेसेंट सेल को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक हो गया, जो एंजाइम इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करते हैं वो असल में लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक हो गया, और वो या तो डेड सेल यहाँ से रिलीज हो सकते हैं, या फिर वो ल्यूकोसाइट की वजह से भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट इन्फ्लेमेशन की वजह से रिकरेंट हो गया। ठीक हो गया, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा नेक्रोसिस की डेफिनेशन कि नेक्रोसिस है क्या। तो नेक्रोसिस इज अ डेथ, पैथोलॉजिकल डेथ, जिसमें सेलुलर मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट एंड सेलुलर एंजाइम। ठीक हो गया, और नेक्रोसिस की वजह से जो प्रोसेस एक्टिवेट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट कराने के लिए इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स होते हैं, जो एंजाइम्स सेल को डाइजेस्ट करते हैं वो, तो वो आते हैं लाइसोसोम से, और ये लाइसोसोम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, या तो वो सेल जो डैमेज हो गया, या फिर वो ल्यूकोसाइट जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जमा हो गया। ठीक हो गया, अब जो इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है क्या नेक्रोसिस के अंदर, वो वेरी करता है डिफरेंट इंजीरियस स्टिमुलस। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है या माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन काफ़ी कम से कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ से आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ कि अगर एटीपी कम होती है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि अगर ब्लड फ्लो कम हो गया या माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या इंजरी हो गया, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम हो जाएगी। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का रेट कम हो जाएगा तो एटीपी की प्रोडक्शन कम से कम होगी, एटीपी की प्रोडक्शन कम से कम होगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस फॉर्म की एक्टिविटी भी डिप्रेस होगी। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस फॉर्म की एक्टिविटी डिप्रेस होगी तो फिर सोडियम का लेवल जो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और एक कोर पंप काम करता है वो है सोडियम कैल्शियम काउंटर एक्सचेंज। अगर सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा रहता है, ठीक हो गया, बाहर नहीं जाता, तो फिर कैल्शियम का भी सेल के अंदर इन्फ्लक्स होता है। ठीक हो गया, तो उसके जरिए वाटर भी सेल के अंदर मूव करेगा, उसके साथ पोटेशियम का इफ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब होगा क्या, इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी। अब पोटेशियम का इफ्लक्स इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल पहले से ही ज़्यादा, तो डिफ्यूजन की वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। इन शॉर्ट, ये नेक्रोसिस का बेसिक मैकेनिज्म बता रहे हैं जो हाइपोक्सिया या इस्कीमिया की वजह से एक्टिवेट हुआ। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो था मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पास्ट पेपर, तो आपने इसको ज़रूर करना है मॉर्फोलॉजी। तो जो नेक्रोसिस के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल या हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होती है वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है, और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलती है, फिर तीसरे हम देख लेंगे इनका फेट। जितना एपोप्टोसिस का जो फेट होता है, एपोप्टोटिक सेल्स का फेट ये होता है कि इनको फैगोसाइट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फिर नेक्रोटिक सेल का फिर यही मैकेनिज्म होता है, इनके भी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो जो पहला इनका होगा साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, और दूसरा होगा न्यूक्लियर चेंजेस। साइटोप्लाज्म के अंदर ईओसिनोफिल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होना शुरू होती है, और ईओसिनोफिल मेनली किस वजह से होता है, ईओसिनोफिल मतलब एसिडिक डाई को पसंद करने वाले, प्रोटीन बेसिक नेचर की होती है, तो वैसे एसिडिक डाई को कैप्चर करती है। इन शॉर्ट, ईओसिनोफिलिया शो कर रहा है कि साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन ज़्यादा रिलीज हो रही है, स्पेसिफिकली लाइसोसोमल एंजाइम्स या प्रोटीन, जिसकी वजह से सेल्स की नेचर क्या होती है, ग्लासी होमोजीनियस अपेयरेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक हो गया, और इसकी मेन वजह यह भी होती है कि जो ग्लाइकोजन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटर स्टेनिंग होते हैं, वो लॉस हो गया क्योंकि सेल डैमेज होना शुरू हो गया। तो माइलिन फिगर्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, माइलिन फिगर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो नेचर होती है, इनके जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो माइलिन शीथ से रिजेंबल करते हैं। ठीक हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ऑर्गेनेल्स की, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की और
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन देखने को मिलती है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ से नजर आ रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेशन देखने को मिल रही होगी, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होगा, सेल के जो कंटेंट होता है लाइसोसोमल कंटेंट, माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंटेंट वो रिलीज होता हुआ नजर आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा होता है वो है न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है, तो फिर जो न्यूक्लियर चेंजेस है वो तीन पैटर्न्स देखने को मिलती है। तीनों पैटर्न के अंदर डीएनए जो बनाता है क्रोमेटिन उनकी ब्रेक डाउन होती है। सबसे पहला होता है पिकनोसिस। पिकनोसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस होता है उसकी श्रिंक हो जाना, श्रिंक का मतलब साइज छोटा हो जाना, और बेजोफिलिया काफी ज्यादा हो जाना। बेजोफिलिया का मतलब होता है बेसिड डाई को पसंद करने वाले, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो डीएनए है वो कंडेंसेशन होकर डार्क श्रंकन मास बना लेता है। फिर जो पिकनोटिक न्यूक्लियस, पिकनोटिक का मतलब होता है साइज का छोटा हो जाना, बेजोफिलिया ज्यादा हो जाना और डार्क श्रंकन मास हो जाना, इसको बोलते हैं पिकनोसिस। पिकनोसिस के बाद जो जिसका न्यूक्लियस का साइज छोटा हो गया है उसकी फ्रैगमेंटेशन होगी, उसके फ्रैगमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस के बाद फाइनली क्या होगा, जो डीएनए जो श्रिंक हो चुका है जिसमें बेसोफिलिया काफ़ी ज़्यादा आ चुका है उसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है डीएनए वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं लाइसोसोम से, तो वो डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो पहले होगी पिकनोसिस जिसमें श्रिंकिंग देखने को मिलती है, और कैरियोरेक्सिस जिसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, कैरियोलाइसिस जिसमें डीएनए की डाइजेशन देखने को मिलती है, एंजाइम होगा डीएनए, ठीक हो गया। तो ये नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजी या हिस्टोलॉजी होती है, और मॉर्फोलॉजी की बेस पर हम बात करते हैं नेक्रोसिस की, हम टाइप्स बना लेते हैं। नेक्रोसिस की 6 टाइप्स होती है, ठीक हो गया। इसमें 5 टाइप ऐसी है जिसको हम ग्रॉसली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रॉसली का मतलब नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप होती है जिसको नेकेड आई से या ग्रॉस अपेयरेंस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो टाइप होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, तो उसको आपने जरूर देखना है। तो नेक्रोसिस की 6 टाइप्स, कॉग्लेटिव, लिकोफेक्टिव, गैंग्रीनियस, कॉन्शियस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसके अंदर काम की बातें आपको मैं बता देता हूँ। जो कॉग्लेटिव नेक्रोसिस इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो किसी भी टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम कर दिया, ब्लड फ्लो कम करने की वजह से इस्कीमिया, इस्कीमिया से हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से इन्फार्क्शन होना शुरू हो जाएगा, इन्फार्क्शन की वजह से टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉग्लेटिव नेक्रोसिस। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉग्लेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे ही हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है, नेक्रोटिक टिश्यू वो इओसिनोफिलिक होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, और वो कॉगुलेशन शो करता होता है। ये जो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि ये नेक्रोसिस किन किन टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉगुलेटिव नेक्रोसिस अगर इनिशिएट करवानी है तो हाइपोक्सिया करवाना पड़ेगा, इस्कीमिया कास करवाना पड़ेगा, इन शॉर्ट इन्फार्क्शन कराना पड़ेगा। तो तमाम टिश्यू में इन्फार्क्शन सिवाय ब्रेन के, तो उसको बोलते हैं कॉगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर ब्रेन के अंदर जो नेक्रोसिस होता है इन्फार्क्शन की वजह से उसको बोलते हैं ल्यूको फैक्टिव नेक्रोसिस, क्योंकि उसमें लिक्विड नेचर का हमें टेक्सचर देखने को मिलता है, जबकि कॉग्लेटिव के अंदर हमें फर्म टेक्सचर देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस आपने नोट करना है, कॉग्लेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो टेक्सचर देखने को मिलेगा वो फर्म, स्ट्रॉन्ग, रिजिड देखने को मिलेगा, जबकि लिक्विफैक्टिव के अंदर आपको लिक्विफाई वाला देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो टेक्सचर ज़्यादा फर्म नहीं होगा। ये किन किन कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है, ये हमें फोकल बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमें देखने को मिल सकता है ये वाला नेक्रोसिस, ठीक हो गया। तो फोकल, फोकल का मतलब किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर लोकलाइज्ड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि ये माइक्रोब्स इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन होती है, ल्यूकोसाइट लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करती है जो ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस कास करवा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस असल में ये लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस जैसा ही है, ठीक हो गया। इसमें भी क्या होगा, इस्कीमिया होगा और आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, इन्फार्क्शन देखने को मिलती है, लेकिन ये इन्फार्क्शन किसी पेरिफेरल टिश्यू के अंदर होगा, स्पेसिफिकली किसी लिम्ब के अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, किसी लिम्ब के अंदर अगर होता है तो फिर इसको बोलते हैं गैंग्रीनियस नेक्रोसिस, ठीक हो गया। और अगर किसी बड़े टिश्यू की तरफ, जैसे अगर हार्ट की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं कॉग्लेटिव नेक्रोसिस, कॉग्लेटिव नेक्रोसिस। बाकी हम ड्राई और वेट गैंग्रीनियस नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंस होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। इसके बाद है कॉशियस नेक्रोसिस। तो कॉशियस नेक्रोसिस ये उन जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होता है। कॉशियस का मतलब होता है चीज लाइक टेक्सचर, चीज होती है येलो व्हाइट कलर की, तो यहाँ पर नेक्रोटिक टिश्यू होता है, उसका रंग आपको येलो व्हाइट देखने को मिलेगा, सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है फैट नेक्रोसिस। तो फैट नेक्रोसिस नाम से लग रहा है कि यहाँ पे एडिपोसाइट जो होगी, यहाँ पे फैट की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, ये भी फोकल एरिया पे देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, हाँ
ठीक हो, इसका मेन कॉज ये होगा कि पेनक्रियाटिक लाइपेज अगर पेनक्रियास के में रिलीज हो जाती है पेरिटोनियल कैविटी में, इसकी मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का मतलब पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन होना। अगर पेनक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर पेनक्रियास के अंदर एंजाइम जमा होते रहेंगे जिसके अंदर आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो अगर पेनक्रियाटिक लाइपेज जमा होता गया तो वो पेनक्रियाटिक टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा और पेरिटोनियल कैविटी को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो जो होता है मिजेंट्री होती है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मिजेंट्री। तो ये मिजेंट्री में असल में यहाँ पर जो कैल्शियम सोप फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। कैसे कि जो जो होता है लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, मिजेंट्री फैटी टिश्यू होती है तो इसके अंदर जो टैग होता है टैग को तोड़ती है फ्री फैटी एसिड के अंदर। वो फ्री फैटी एसिड कैल्शियम से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम सोप बना लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। तो इन जो वाइट चाकी डेपोजिशन को बोलते हैं फैट नेक्रोसिस। अब है फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। फिब्रिनाइड ये स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस होती है। इसमें ये क्या होता है कि इसे इम्यून रिएक्शंस होते हैं जिसमें एंटीजन और जो एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले एंटीजन आया, इसके रिएक्शन में एंटीबॉडी बनी, इनका जो कॉम्प्लेक्स वो ब्लड वेसल की वाल में डेपोजिट होना शुरू हो जाता है। ये हाइपरटेंशन में भी देखने को मिल सकता है या फिर एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर जो टिश्यू की अपेयरेंस होगी वो ब्राइट पिंक अमॉर्फस होगी। इसको हम टेबुलेट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी आपने सिर्फ बेसिक ओवरव्यू को लेना है। तो हम बात कर रहे थे नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी की। तो नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो कॉग्लेटिव नेक्रोसिस है, कॉग्लेटिव नेक्रोसिस किन किन टिश्यू के अंदर इसकी एग्जाम्पल क्या है। बल्कि आपने छः के छः टाइप की नेक्रोसिस की एग्जाम्पल को ज़रूर देखना है। और एग्जाम में ये भी आता है कॉग्लेटिव नेक्रोसिस और लीकोफेक्टिव नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंस, या गैंग्रीनस और ड्राई और वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस इसके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, इसके दरमियान भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इन सब क्वेश्चंस को हम फ्लो चार्ट से कवर कर लेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट आर द हिस्टोलॉजिकल साइन ऑफ नेक्रोसिस, तो आपको मैंने बता दिया मॉर्फोलॉजी में हिस्टोलॉजिकल साइन, इसमें साइटोप्लाज्मिक चेंजेस और न्यूक्लियर चेंजेस आपने बतानी है। फिर इसके बाद है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में फ़र्क। तो ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में फ़र्क ये सेल साइज का होता है, न्यूक्लियस का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, सेलुलर कंटेंट का, इन्फ्लेमेशन का, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस का होता है। इसके बाद व्हाट इज एपोप्टोसिस गिव टू पैथोलॉजिकल कंडीशन शोइंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हो गया, तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो इसका मैं आपसे यहाँ से दिखा देता हूँ फ्लो चार्ट। तो एपोप्टोसिस है क्या, तो एपोप्टोसिस में आपको नजर आ रहा होगा एपोप्टोसिस के दो फेज होते हैं। एक फेज के अंदर इनिशिएशन होती है, दूसरे फेज में एक्सिक्यूशन होती है। असल में होता क्या है, ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। इनिशिएशन फेज के अंदर कैसपेज एक्टिवेट होती है, वाइट इज कॉल्ड कैसपेज, क्योंकि ये प्रोटीएज होती है और इनकी एक्टिव साइट के अंदर सिस्टीन होती है। तो आप यहाँ से सी ए सी तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी इसको ये ऐसे प्रोटीन को क्लीव करते हैं जो एस्पार्टिक रेसिड्यू के एडजेसेंट होते हैं। तो सी से सिस्टीन, ए एस से एस्पार्टेट और ए एस ई शो कर रहा है ये प्रोटीएज है, कोई एंजाइम है। ठीक हो गया। तो जो एक्टिवेटेड कैसपेज होते हैं वही एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। कुछ कैसपेज या कुछ प्रोटीन कैसपेज के एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देती है, उनको बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक, और जो स्टिमुलेट करवाती है उसको बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक। अब वो पूछ रहा है कि जो एपोप्टोसिस है इसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो आपने ये टेबल ज़रूर करना है। इस टेबल में आपको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। किन किन कंडीशन के अंदर, किन फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एपोप्टोसिस होता है, किन पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एपोप्टोसिस होता है। तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एम्ब्रियोजेनेसिस में या फिर नॉर्मल प्रोलीफरेटिव टिश्यू होते हैं जो नॉर्मली रीजनरेट करते रहते हैं आपस अपने को, तो उनके टर्नओवर में या फिर ऐसे टिश्यू जो हार्मोन की सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था एंडोमेट्रियम का बताया था मैंने और थायराइड ग्लैंड का बताया था जो टीएसएच के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद जो ल्यूकोसाइट का नंबर कम हो जाना, इम्यून और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये एपोप्टोसिस की वजह से होता है। और लास्ट है कि ऐसे लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, सेल्फ रिएक्टिव होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो एम्ब्रियोजेनेसिस, नॉर्मल टर्नओवर, इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू, लेकोसाइट का नंबर कम हो जाना, इम्यून रिस्पॉन्स के खत्म होने के बाद, या ऐसे लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी के ही अगेंस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना। जबकि पैथोलॉजिकल के अंदर डीएनए का डैमेज हो जाना, ये भी एपोप्टोसिस को इनिशिएट करता है, या फिर ऐसी प्रोटीन जिनके नेचर खराब है, जिनका स्ट्रक्चर खराब है, जिनकी फोल्डिंग सही तरह नहीं हुई भी, ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन। या फिर इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी एपोप्टोसिस इनिशिएट करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर। बाकी हम और क्वेश्चंस को देख लेते हैं एपोप्टोसिस के और नेक्रोसिस के। तो डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये बार बार आ रहा है, तो आपने इसको ज़रूर देख लेना है। ठीक हो गया।
बाकी एपोप्टोसिस के दो फेजेस होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। इनका भी फ्लो चार्ट जरूर आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन को भी देख लेना है, इसके साथ अदर पाथवे ऑफ सेल डेथ जिसमें नेक्रोटोसिस और पायरोटोसिस, इसके दरमियान डिफरेंस, इसके दरमियान हम फ्लो चार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन मीडियम रॉबिन्स के अंदर एक और सेल डेथ नहीं लिखी हुई जिसका नाम है फेरोटोसिस। तो फेरोटोसिस आपको बिग रॉबिन्स के अंदर ही मिलती है, ठीक हो गया, ये आपको मीडियम रॉबिन्स के अंदर नहीं मिलती होती। जो नेक्रोटोसिस है इसके अंदर नेक्रोसिस और एपोटोसिस दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। पायरोटोसिस के अंदर आपको एपोटोसिस देखने को मिलता है और पायरोसिस देखने को मिलती है, पायरोसिस का मतलब फीवर। तो ये तो था बेसिक ओवरव्यू एपोटोसिस और नेक्रोसिस के, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता देता हूँ इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एपोटोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंस आता है, नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी आती है, हिस्टोलॉजिकल साइन, और इसकी जो छह टाइप्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करनी है आपने। और इसका ये वाला एपोटोसिस का ये वाला टेबल, ये भी जरूर आता है एग्जाम में। इसके बाद जो एपोटोसिस का मैकेनिज्म, दो पाथवे होते हैं, एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक, दूसरा होता है डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक, ये भी आपने जरूर करना है इंशाल्लाह। इसको मैं ब्रीफ कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।